धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे युवाओं से संबंधित कोई खेल प्रति के कोई कार्य हो, मेरे को कभी भी आप याद करना। आज विराज में मेरा तैयार खड़ा रहूंगा। जो सर, जो बाबा जाटा का मेला है और आज आप यहाँ पर है, कैसा लग रहा है आपको? देखो, बाबा जाटा के स्थान पे आके हम इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं, और मैं ही नहीं, आस पास के इलाके में पूरे हरियाणा और राजस्थान से खेल खिलाड़ी और दर्शक आते हैं बहुत दूर से, या बहुत जबरदस्त भीड़ लगती है और बाबा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। यहाँ पे सारी मनोकामना भी पूरी होती है और हमारे यहाँ पे प्रसादी का भी पूरा प्रोग्राम है, खेल कूद का भी है, मनोरंजन का भी साधन है। कुल मिला के पूरे रंग चाव से पूरा गाँव का सहयोग रहता है, पूरी कमेटी का सहयोग रहता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह के धार्मिक कार्य मेरे हिसाब से हर गांव में हर जगह पे होते रहे, तो क्या है कि समाज में जो युवा है जो गलत रास्ते जा रहे हैं, वो लोग धार्मिक कार्य इस तरह के कार्य करने से उनकी थोड़ी प्रवृत्ति चेंज होती है, तो अच्छे कार्यों में उनका मन लगेगा, तो दूसरे जो गलत कार्य उनमें नहीं जाएंगे। और युवा पीढ़ी और अच्छे मेले के बारे में जो खेल कुश्ती वगैरह भी चल रही है, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाए। यहाँ पे देखो, खेल प्रतियोगिता होती है, कबड्डी होगी, फुटबॉल हो गया, अपने दौड़ हो गई, युवाओं की लड़कियों की सारे खेल। ये मेला कब से भरा जा रहा है? सर, ये तीन दशक से ज्यादा हो गया। बहुत पुराना मेला भरता आ रहा है बाबा जाटा का, और यहाँ पे पूरी पब्लिक जो है ना दूर दूर से आती है, पूरे समाज का इसमें सहयोग रहता है, आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जी जी जी, देखो हमारी सोच तो सदा से ही धार्मिक कार्यों में सामाजिक, जब से मैं सक्षम हुआ हूँ धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, या युवाओं से संबंधित कोई कार्य हो, मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। निसंकोच जो भी मेरे को फोन पे भी आता है, मैं फोन पे भी आता हूँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी एक सोच है कि मैं गाँव समाज के लिए धार्मिक कार्य में कुछ करूँ, मेरी सोच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेले के बारे में क्या कहोगे, कब से मेला भर रहा है और कुश्ती और ये जो कबड्डी और कौन सी गेम यहाँ हो रहा है, जानकारी आप हमें दे दीजिए। सर्वप्रथम तो सुंदर जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ समस्त बस्ती का और आसपास से आए हुए सभी युवा साथियों, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का। और ये हमारा मेला जब से हमने संभाला, लगभग 30 से 35 साल हो गए, और बहुत धार्मिक मान्यता है आसपास से, जो टांटला समाज के बहुत के लोग हैं वो इसे कुल देवता रूप में मानते हैं, और बच्चा होता है तो उसका जड़ुला भी है, नई बहू दुल्हन आती है तो पहले इसका बाबा के जात लगती है, और बहुत प्राचीन मंदिर है, इसके मन के जो इच्छा से मानता है वो उस बाबा पूरी भी करता है, पूरा गांव इसमें सहयोग देता है, इंद्र भाई भी साथ में है, इंद्र भाई भी साथ है, पूरी बस्ती का सहयोग रहता है। और प्रतियोगिता में यहाँ कबड्डी, वॉलीबॉल और महिला दौड़, बुजुर्गों की दौड़, बच्चों की दौड़, लड़कियों की दौड़, रस्साकसी और मटका दौड़, ये मुख्य। जी, सबसे पहले तो सर आपके चैनल के माध्यम से पूरी बस्ती माता का, पूरा क्षेत्र का, सुनील यादव, बाबा जाटा मंदिर सेवा समिति प्रधान, सबका स्वागत करता हूँ। और सर मैं ये बताता हूँ, ये हमारे कुल देवता का मेला हर वर्ष की भांति सालों से भरता आ रहा है, एक हमारी मान्यता है, हमारे कुल देवता का आशीर्वाद हमारी बस्ती माता पर इतना है, या नहीं तो कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जिसने जो भी मांगा वो इसने, जिसने इसके माथा टेका उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सत्येंद्र भाई हैं हमारे वशिष्ठ अतिथि, ये प्रमुख समाज सेवी हैं, हमारे बीच के भाई हैं, कभी भी इनको कहा यहाँ आने पर भाई को एक फोन पर बुलावा दे दिया जाता है, जब भी भाई साहब यहाँ पधारते हैं। सत्येंद्र यादव ने जो मंदिर कमेटी को 51,000 रुपए का जो दान दिया, इसके लिए सत्येंद्र यादव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय जय श्री राम। हमारे